हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू juriecentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दी मच डिमांडेड सिलेबस एज वेल एज दी एंटायर एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, सीट एलोकेशन, रिजर्वेशन, कट ऑफ ऑफ DULLM एंट्रेंस एग्जाम। सो दिस इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन दी एकेडमिक प्रॉस्पेक्टस ऑफ द ईयर 2022-2021, क्योंकि इस साल का जो एकेडमिक प्रॉस्पेक्टस है वो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है और कहा जा रहा है कि जुलाई के मिडवीक तक हो जाएगा। तो आप पहले तो समझ लीजिए इसके सिलेबस का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है प्रीवियस ईयर और हर साल के मुताबिक 19-20 का फर्क रह जाता है, इससे ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता है। तो अगर मैं शुरू करूं इसके एलिजिबिलिटी से, तो सबसे पहली बात है आपने चाहे 3 ईयर किया हो चाहे 5 ईयर एलएलबी किया हो, लेकिन आपने एटलीस्ट 55% अगर इफ यू बिलोंग फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, तो आपको ये अनिवार्य है कि आप 55% तो कम से कम अपने क्वालिफाइंग मार्क्स में ले आए, मतलब अपने ओवरऑल रिजल्ट जो आपके BLLB की जो डिग्री है उसमें कम से कम आप 55% ले आए। और अगर आप SC ST OBC डिफेंस पर्सनल और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इज 45%। अब मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात कर दूँ, तो ये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो प्रीवियस ईयर की दी हुई है, इस साल का पता नहीं, लेकिन लगता नहीं ज़्यादा कोई फ़र्क आएगा। तो SC ST PWD DWS के लिए बस 300 रुपये की फॉर्म थी, 300 रुपीज़, और अनरिजर्व OBC एंड अदर के लिए 750 पर कोर्स एंड द सेंटर ऑफ द टेस्ट। सो DU कंडक्ट्स 20 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो हमारे देश के कम से कम 20 जगहों पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर LLM। और अब रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, और आपको 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जाएगी जो आप मार्क्स सिक्योर करोगे मेरिट लिस्ट में। उसके बाद है OBC के लिए 27%, इसमें आपको 10% की रिलैक्सेशन दी जाएगी आपके मार्क्स पे नहीं, लेकिन जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनरिजर्व कैटेगरी का रहेगा उससे आपको 10% घटा के आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। EWS के लिए 10% है। फिर सुपर न्यूमररी सीट्स में दो है, एक तो पहला हो गया PWD जो 5% के लिए है, और स्पोर्ट्स कोटा भी इसमें दिया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है LLM के लिए, इसके लिए 5% है। तो ये सुपर न्यूमरेट सीट्स का क्या मतलब है, ये एडिशनल सीट्स दी जाती हैं। फिर आर्म फोर्सेस के लिए 5%, आर्म फोर्सेस में कौन कौन आते हैं, जो विडो ऑफ आर्म पर्सनल हो गए, वार्ड्स ऑफ आर्म पर्सनल हो गए, या वो खुद आर्म पर्सनल भी हो सकता है, और मे बी ही वॉज दी ही से अवॉर्डी ऑफ एनी प्रेसिडेंशियल मेडी एनी गैलेंट्री अवार्ड, तो ऐसे लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। और फिर इसमें फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन दी जा रही है, जिसका डिटेल्स आपको प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगा। अब हम बात करें LLM एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो समझ ले ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ऑफलाइन मोड में नहीं रहेगा। टोटल टाइम विल बी 2.5 आवर्स, और इसमें सबसे पहले तो आपको ईच मार्क्स शैल कैरी ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स, एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट, एंड देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ 14 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसमें एक और सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया है, वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था DU का LLM सॉल्व पेपर ऑफ द ईयर 2020, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और एंड आई विल शेयर द सेम लिंक इन द आई बटन ऑफ द वीडियो ऑल्सो। उसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से मिनिमम एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क वेर 4, तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ इनके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉ ऑफ इंडिया, जुरिसप्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, IPR, साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ एंड पार्टनरशिप, और ये रहे आपके पूरे 14 सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोग हिंदी मीडियम से आए हुए होते हैं, दे हैवंट डन देयर लॉ इन इंग्लिश मीडियम, तो उनको दिक्कत होती है लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम तो आपका जो रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो हिंदी में नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आपको एक चॉइस दी जाती है कि इफ़ यू गेट सेलेक्टेड
तो आप अपना जो सेमेस्टर एग्जाम है, जो कॉलेज का जो सेमेस्टर एग्जाम है, वो आप हिंदी में जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस के टाइम पे आपके लिए कोई भी हिंदी की ऑप्शन नहीं रहेगी इन लैंग्वेज। तो मैं आपसे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में भी बात कर दूं, तो DU ऑफर्स 2 years एंड 3 years LLM कोर्स। 2 years LLM कोर्स आर नॉट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन एनी ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस। मतलब 2 साल का जो कोर्स है वो लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो ऑलरेडी अपना, अगर उनका कहीं नौकरी लगी हुई है, अगर उनका कोई बिजनेस है, अगर वो किसी प्रोफेशन में है लाइक लीगल प्रोफेशन में है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 years वाले ये कंटिन्यू कर सकते हैं और वो अपनी अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना प्रोफेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लासेस जो रहेंगी वो इवनिंग आवर्स में रहेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 years का जो LLM कोर्स जो रहता है, सबसे पहली बात है कि ये जो है ये किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप 2 year लेते हो चाहे 3 year लेते हो, इनके दोनों के डिग्री के भी डिग्री में भी कोई फर्क नहीं रहता है। बस फर्क ये रहता है कि आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाता है कि आप अपने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सको, और इन दोनों के फीस में भी कोई अंतर नहीं है। तो बस आपका साल का बस फासला रहता है, इसमें 2 साल का होता है, इसमें 3 साल का होता है। अब मैं कैंपस की बात करूं तो DU का जो 3 कैंपस है, एक तो हो गया कैंपस लॉ सेंटर, लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2। तो ये किसी भी सेंटर में आपका LLM का एग्जाम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी ऑफ लॉ कंडक्ट कराती है आपके क्लासेस, जो कि छात्र मार्ग पे सिचुएटेड है, जो कि ओल्ड कैंपस में आपका है। अब हम बात करेंगे आपसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो मैं पहले बता दूं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या सीन है। तो 2 years कोर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 73 है इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, एंड 3 years कोर्स में 64 है टोटल इंक्लूडिंग रिजर्वेशन सीट्स। तो इसमें बता दूं कितने कितने हैं, अनरिजर्व के रहे 27, OBC के रहे 18, SC के है 10, ST 5, EWS 7, PWD 3 एंड डिफेंस पर्सनल 3, दैट मीन 73 इन 2 years कोर्स। और अगर हम 3 years की बात करते हैं, बता देती हूँ, अनरिजर्व के है 24, OBC के है 16, SC के है 9, STs के है 4, EWS के है 5, PWD के है 3 एंड डिफेंस पर्सनल के है 3। अब फीस की बात करते हैं, तो फीस इसकी बहुत ही रीजनेबल है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अगर आपने अपना कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स, अगर आपने अपना LLB का कोर्स अगर DU से किया है, तो आपके लिए फीस तो 557 है, दैट मीन 5579 पर ईयर। लेकिन अगर आप बाहर से आए हुए हो, अगर आपने अपना LLB अगर DU से नहीं किया है, तो आपके लिए फीस होता है 5729 पर एनम, दैट मीन्स 5729 पर ईयर। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या DU स्पेशलाइजेशन कोर्स प्रोवाइड कराती है, तो मैं कह दूं कि नहीं, ये नहीं कराती है, यहाँ रेगुलर कोर्स होती है, या किसी भी तरीके की कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं होती है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आपने मोस्टली अपने BLLB डेज में कर चुके हैं। और अब मैं आपको बता दूँ लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो DU के कट ऑफ के बारे में आप समझ लीजिए, DU का जो कट ऑफ होता है यह हर साल इंक्रीज होते रहता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहती है। मतलब अगर मैं बताऊँ, ये फर्स्ट एडमिशन लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यू कैन विजिट टू द साइट ऑफ लॉ फैकल्टी ऑफ DU, आप वहाँ पे जाके भी ये डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और अनरिजर्व कैटेगरी का जो गया था, दैट मीन्स 291 मार्क्स उसके गए थे किसी अनरिजर्व कैटेगरी वाले का, और जिसका टोटल अगर मैं परसेंटेज में काम करूँ तो 72.5%। मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा जाता है। एक तो DU का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिफिकल्टी लेवल का होता है, इजीली सॉल्व जल्दी नहीं, बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं उसे, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा जाना, मतलब आप समझ जाइए कि कंपटीशन कितना टफ है। अगर मैं 2018 या 2019 की बात करूं तो ज़्यादा नहीं गए हैं, 254-260 के आसपास गए हैं, लेकिन इस साल तो कुछ ज़्यादा ही जंप हो गया, 2020 की बात करूं सीधा 291 में इसने छलांग लगा दी। थर्ड एडमिशन लिस्ट की मैं बात करूं, जो सबसे लिस्ट गई है अनरिजर्व कैटेगरी की, वो गई है 230 मार्क्स, दैट मीन्स 57.5 मार्क्स, मतलब 72.5% वाज द हाइएस्ट एंड 57.5% इज द लोएस्ट।
आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना स्कोर करना है, क्योंकि इसकी हो सकती है शायद इस साल भी हाई चली जाए, क्योंकि इसकी हमेशा ही हाई रहती है, भले पेपर ही कितना भी सेट क्यों ना कर ले, लेकिन इसकी कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है। और अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, ओबीसी का जो हाईएस्ट गया था 230 मार्क्स, एससी का था 193 मार्क्स, एसटी का 190 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 224 मार्क्स एंड पीडब्ल्यूडी का गया था 270 मार्क्स। और लिस्ट अगर बात करूँ मैं थर्ड एडमिशन लिस्ट में, तो ओबी यूआर का तो मैंने आपको बता दिया 230 मार्क्स, दैट मीन 57.5%, ओबीसी का गया था 188 मार्क्स, एससी का गया था 151 एंड एसटी का 196 मार्क्स। ये जो भी मैं आपको मार्क्स बता रही हूँ, इट इज काउंटेड आउट ऑफ 400 इज दी टोटल मार्क्स ऑफ योर पेपर। तो आप मतलब ये समझिए कि अगर इस बंदे ने अगर 291 मार्क्स अगर सिक्योर किया तो उसने कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। तो आपको यही मेक श्योर करना है कि या तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी जानी चाहिए तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, यहाँ एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन होती है। और मैं अब आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है ताकि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो मैं लास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के बारे में तो सबसे पहले बता दूं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो फैमिली लॉ से आए थे 11 क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से आए थे नॉट 4, मैंने गलती से आपको 4 क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आए थे 6 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आए थे 14 क्वेश्चन, जिसमें से और अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी क्वेश्चन आता है वो 1 क्वेश्चन आया था। कंपनीज एक्ट से आया था 8 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 10 क्वेश्चन, आईपीआर से 5 क्वेश्चन और एनवायरमेंट से 4 क्वेश्चन, फिर जुरिसप्रूडेंस से आ गया 6 क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ से 10 क्वेश्चन। तो इस साल जुरिसप्रूडेंस का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया था, बस 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। पब्लिक इंटरेस्ट इट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से पूछा गया था 10 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट से पूछा गया था 10 क्वेश्चन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, साइबर लॉ से आए थे 4 क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ से आए थे 9 क्वेश्चन एंड कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यू से आया था 1 क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पेपर स्ट्रक्चर। इसमें आपको जो जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली जो है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को फोकस कीजिए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत ही ज्यादा आजकल के दौर में तो विद चेंजिंग टाइम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हैज बिकम द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द एलएलएम एग्जामिनेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उसके बाद अभी आईटी एक्ट और कंपनी से भी बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे, और लॉ ऑफ टॉर से 10 सवाल पूछे गए थे। तो अभी का जो टाइम है जहाँ मतलब अगर मैं बात करूँ किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ये सब्जेक्ट तो हो गए और एडिशनल ये सब्जेक्ट्स हुए जैसे कंपनी लॉ हो गया, आईपीआर हो गया, साइबर लॉ हो गया। तो ये सारे जो अभी अभी के दौर के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बन गए, एनवायरमेंटल लॉ जिसे आप स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो माइनर और मेजर का जो फर्क होता है, जो बहुत लोग कहते हैं कि मेजर एक्ट से इतना पूछा गया है, माइनर एक्ट से इतना पूछा गया, लगता नहीं यहाँ पे मेजर और माइनर का कोई फर्क है, क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज पे दिया गया है, मतलब 4, 5, 6 ऐसे पूछा गया है, तो इससे आप बिल्कुल भी माइनर तो समझ ही नहीं सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का ये होता है एक तरीके का एक नोशन बना हुआ है कि जो मेजर एक्ट है वही पढ़ के चले जाओ और जो माइनर एक्ट है उनको छोड़ दो, ऐसा तो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छे से पढ़ के गए, सारी चीजें तो हमें याद तो रहेगी नहीं, हम तो उनमें से कोई चीज तो भूलेंगे, कोई चीज हम मिस्टेक करके भी आएंगे। नेगेटिव मार्क इज सच अ थिंग कि यू कांट अवॉइड, वो होगा ही होगा। अभी तक तो यही रहा है डीयू एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में कि ये होता ही है, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि मैं मेजर एक्ट पढ़ के जाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट से पढ़ के गया, बाकी मैं छोड़ गया, क्योंकि ये जो माइनर वाले जो है ना, यही आपके स्कोर को आगे बढ़ाता है। तो आपका स्ट्रेटेजी ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं समझिए, सबको अच्छे से, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जामिनर के माइंड पे है। अगर उसे अगर लगा कि ठीक है, जैसे लोग अब तक लोग यही सोचे जा रहे थे मैं जुरिसप्रूडेंस पढ़ के जाता हूँ, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, 10, 12 तो आते ही आते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन इस पेपर
कोर्ट में जूरिस प्रूडेंस के बस 6 क्वेश्चंस आए थे और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ज्यादातर अवॉइड करते हैं, वहां पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसा मत कीजिए, अभी चेंजिंग टाइम्स में सिलेबस पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो आपको भी उसके साथ साथ फॉलो करना है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपकी स्ट्रेटजी की बात करूँ कि लोग कहते हैं हम इसे क्लियर कैसे करें, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं ये एग्जाम, तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको आपका जितने भी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसे आप अच्छे से रट लीजिए। यू नीड टू मेमोराइज द क्वेश्चंस बाय हार्ट, स्पेशली द एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज में फॉर्मेट होती है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपको हर चैप्टर में अच्छे से फोकस करना है, उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, भूलते नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप गैप दे देते हैं तो एक तरीके से आप भूल जाते हैं, और पढ़ाई ऐसी चीज होती है कि अगर आप एक दिन का भी गैप दे दें तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, योर माइंड विल एक्चुअली बिकम ब्लैंक। तो ऐसा मत कीजिए, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हो सके चीजों को रटने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एग्जाम है और तो है नहीं। क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग हैं कि अभी इनको कॉन्सेप्ट समझना है, क्रिमिनल लॉ का, अबेटमेंट का, सुइसाइड का, अभी इनको समझना होता है। मैं एक बात कह दूं, ये स्टेज जा चुका है, हमने अपना बीएलएल भी कर लिया है, अभी स्टेज पे ये समझने बूझने की बात नहीं आती है, यहाँ पे सिर्फ हमें पढ़ना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए बस यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, वी कान गेट इन टू द थ्योरीज, इफ यू गेट इन टू द थ्योरीज विल गेट कन्फ्यूज एंड वी वॉन्ट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, एंड द क्वेश्चन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट यू नीड टू फोकस, यू नीड टू रिवाइज द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यू कांट स्किप इट, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और एक और मैं आपसे एक अच्छा ऑफर भी लेकर आई हूँ, जूरी सेंट्रल जो है वो प्रीवियस 13 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको बस 500 रुपए में दे रही है। जी हाँ, बस 500 रुपए में आप 13 ईयर दैट मीन 13 साल का क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2020 विथ आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन भी है आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत एक नॉमिनल से फीस में, आप उसे लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ये मैंने हर जगह, हर कोई फैकल्टी कहता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 13 साल का क्वेश्चन पेपर बहुत होता है किसी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, आप अपना मार्क्स बचा भी सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। तो मैंने 2020 का एक सॉल्व पेपर का ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द वीडियो एंड मेनी ऑफ यू हैव लाइक्ड इट, सो थैंक यू पीपल, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपके लिए लाई हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे में शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये बाकी जो बुक्स जो है अवेलेबल मार्केट में है, हमारा पीडीएफ कितना डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आपने जितने भी बुक्स देखे होंगे एमसीक्यूस में, उसमें क्या होता है, अगर सामने अगर क्वेश्चन अगर होता है तो बिल्कुल आपको पीछे जाना होता है, चैप्टर के बिल्कुल एंड में जाना होता है आंसर की में, और वो आंसर की क्या होता है, जो भी यूनिवर्सिटी आंसर की रिलीज कर देते हैं वो बस उसको उठा के छाप देते हैं, कोई क्वेश्चंस डिलीट होती है, कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत होता है, लेकिन वो दे नेवर टेक केयर टू करेक्ट दोस मिस्टेक्स, वो क्या करते हैं उनको बस छापने से मतलब होता है, बट वी डू नॉट डू इट, क्योंकि हमारे पीडीएफ में हमने ऐसा पीडीएफ को तैयार किया है कि यू विल गेट द आंसर जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाइए, साथ में उसके आंसर भी पढ़ते जाइए और आप उसके एक्सप्लेनेशन भी देखते जाइए, तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। और एक और अच्छी बात है, पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहे, मतलब आप अपने मोबाइल फोन में, लाइक एवरीबॉडी इज कैरिंग देयर मोबाइल फोन नाउअडेज, सो यू कैन रिवाइज दिस चैप्टर, यू कैन रिवाइज सी पेपर्स एट एनी टाइम, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आप कभी भी, मतलब कन्वीनियंस आपके हाथ में है। तो मैं आपको लिंक आपको शेयर कर दूंगी और आप इसे परचेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर ले। और एक और बात है, हम और भी नए नए वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे एमसीक्यूस में मैंने ऑलरेडी करवाया है और भी करवाऊंगी, खासकर कि सब्जेक्ट्स पर करवाऊंगी, जैसे कंपनी लॉ, आईपीआर, फिर आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनवायरमेंटल लॉ और साइबर लॉ, इन सब के ऊपर मैं क्लास आपको एमसीक्यूस क्वेश्चन करवाऊंगी। और ध्यानपूर्वक उन एमसीक्यूस क्वेश्चन को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि द की इज ऑनली हिडन देयर, आपको कैसे इस क्या कहते हैं आपको एडमिशन कैसे सिक्योर करना है, इसका एक ही बस तरीका है कि आप क्वेश्चंस को देखते रहिए, उसे समझते रहिए और इसे रिवाइज करते रहिए। सो आई होप कि आज आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा,
तो थम्स अप तो जरूर दीजिएगा, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन में कंजूसी नहीं कीजिएगा क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आई विल गेट फॉर यू। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।